फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग आधार कार्ड को किस तरह से निकाल सकते हैं एमएस पेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हम पहले एमएस पेंट को ओपन कर लेते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम एमएस पेंट को ओपन कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फाइल में चले जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को फाइल के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंट का ऑप्शन है और इसके नीचे एक एरो रहेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इम्पोर्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आना है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है जहाँ पर भी है वहाँ पे आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आपका आधार कार्ड आ चुका है। इसको आप बड़ा कर लीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है आपका आधार कार्ड बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसको यदि आप बीच में सेंटर में लाना है तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो रहेगा, इसको ऊपर वाला को क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को पूरा सिलेक्ट करके दिखाते हैं। इस तरह से आप लोगों को पूरा सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बीच में हम इसको रख दिए। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इम्पोर्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड का बैक साइड को लेकर ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो आधार कार्ड है बैक साइड। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है इसको पूरा सेंटर में बड़ा कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है हो चुका है। यदि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, इसे कोई बात नहीं है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपका मन है तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं। तो इसको हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है बड़ा भी हो चुका है। यदि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा जो है दिखा हुआ है, इसको आप मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक मिटाने का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह से अपना माउस को लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको आप मिटा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको मिटा सकते हैं, तो आपका जो पेज है पूरा सफा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम इसको मिटा दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो है एक पेज में इसको हम आधार कार्ड को पूरा लोड कर दिए हैं। उसके बाद इसको आप लोगों को निकालना है। आपके पास यदि प्रिंटर है तो यहाँ से आप यहाँ पे आपको फाइल पे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो भी प्रिंटर है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको कितना पेज निकालना है यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। तो यहाँ पे एक पेज निकालना है तो एक पेज लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई, उसके बाद प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मेरा अभी प्रिंटर इसमें कनेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे बता रहा है कनेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का बस इतना ही। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।